हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको आगे वीडियोस में दिखाया था कि इसका क्लच प्लेट पेसर प्लेट असेंबली कैसे फिटिंग करते हैं, इसका फिंगर कैसे सेट करते हैं। तो अभी हम इसका हेयर फिटिंग करना है और इसका टैपेट भी सेटिंग करना है। तो इसका टैपेट कैसे सेटिंग करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच करना। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला हेयर जो हम कबाड़ से खरीद के लाए दोस्तों, इसका पुराना हेयर जिसमें सुराग आया था, जिसमें छेद हो गया था, इसी की वजह से इसके इंजन में पानी जा रहा था और ऑयल के साथ में मिक्स हो रहा था। इसी की वजह से हमने ये पूरा इंजन को ओवरहॉल किया है। अगर आपने वो मेरे आगे वाले वीडियोस नहीं देखे थे ज़रूर देखे, खोलने के दौरान मैंने उसको बताया हुआ है कि उसका हेयर कैसे क्रैक था, यानी उसमें कैसे सुराग आया हुआ था और पानी आने की वजह क्या थी वो मैंने दिखाया हुआ है। तो प्लीज़ आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें इसका ये वाल सील कुछ इस तरह से फिटिंग करना है और ये बहुत ही आसानी से फिटिंग हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं, तो अभी ये वाल सील को हमने फिटिंग कर लिया है। उसके बाद उसका ये वॉशर ये हमें फिट करना है कुछ इस तरह से। और दोस्तों इसमें ये जो वॉशर है इसका ये वाला हिस्सा हमें नीचे की ओर रखना है, ये कट वाला, तो ये ऐसे फिटिंग होगा। तो दोस्तों ये हेयर हम कबाड़ से ख़रीद के लेके आए हैं दोस्तों, क्योंकि उसका पुराना हेयर जिसमें छेद आ गया था, इसी की वजह से इंजन ऑयल के साथ में पानी मिक्स हो रहा था, मैंने आगे वीडियोस में दिखाया हुआ है। तो अभी देख सकते हैं ये इसका इनलेट और ये इसका एग्जॉस्ट, ये इसका एग्जॉस्ट यहाँ पे फिटिंग होता है। तो अभी ये वाल हमें हेड में फिटिंग करना है, तो ये कुछ इस तरह से फिटिंग हो गई। देख सकते हैं ये बड़ा वाला है और ये इसका छोटा वाल, तो ये कुछ ऐसे फिटिंग होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले और हमारे और दोस्तों में भी इसे शेयर करें। और दोस्तों मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस लाता हूँ और लाता रहूँगा, तो प्लीज़ आप हमारे इस नेक काम में हमारे साथी और सहभागी बने। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने से मन को भी आनंद की अनुभूति होगी। तो दोस्तों ऐसे वीडियोज़ के लिए एक लाइक, एक शेयर, एक कॉमेंट और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और दोस्तों आपने हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों हमारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाती है और हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए उत्साहित करती है। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी आप देख सकते हैं हमने हेड में वाल को इस तरह से फिटिंग कर लिया है, तो ये एग्जॉस्ट है, ये वाला वाल एग्जॉस्ट का है, आप देख सकते हैं। और ये वाला इनलेट है, तो अभी हमें इसके बाद इसका ये स्प्रिंग कुछ इस तरह से फिटिंग करना है। और उसके बाद इसका ये लॉक कैप जिसमें लॉक फिटिंग होगा, ये वाला, ये कुछ यहाँ पे ऐसे फिटिंग होता है। तो दोस्तों अभी ये हेड का कंप्लीट फिटिंग होने के बाद हम इसको ट्रैक्टर में कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद उसका टैपेट कैसे सेटिंग किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच करना दोस्तों, अगर आपको पूरी पूरी जानकारी लेना है। तो अभी देख सकते हैं ये लॉक हमें इस तरह से इसकी सीट में बिठाना है, तो देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से कुछ इस तरह से हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। और अभी इसके बाद हमें एक पीवीसी हैमर की मदद से इसको हल्के हल्के ऊपर से ठोक देना है, ताकि ये लॉक उसकी जगह में उसकी सीट पर कंप्लीट बैठ जाए।
तो दोस्तों इस तरह से हेड में इसका वाल फिटिंग किया जाता है, आपने देखा। तो अभी ये हेड फिटिंग हो चुका है और दूसरा वाला हेड हमने पहले से फिटिंग करके रखा हुआ है। तो अभी ये दोनों हेड हमने कंप्लीट फिटिंग कर लिए है। तो अभी हम इसको ट्रैक्टर में फिटिंग करना है। देख सकते हैं अभी ये दोनों हेड कंप्लीट है। ये हम जो कबाड़ से लाए और ये इसका जो साठ का था वो ओरिजिनल, जिसको हमने एसिड से क्लीन क्लीन करके आपको दिखाया था। तो चलो हम इसको जल्दी से ट्रैक्टर में कैसे फिटिंग करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अभी हमें हेड को फिटिंग करने से पहले यहाँ पे इस तरह से इसको क्लीन कर लेना है। ताकि उस पर लगा डुल मट्टी यहाँ से क्लीन हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये वाला हेयर गैस्केट यहाँ पे फिटिंग करना है। तो ये कुछ इस तरह से फिटिंग होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉप लिखा हुआ हिस्सा हमें ऊपर की ओर रखना है। तो इस तरह से हमें दोनों हेड गैस्केट को फिटिंग कर लेना है। तो चलो हम जल्दी से इसका हेयर कैसे फिटिंग करते हैं वो आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी मैं ये हेड जल्दी से फिटिंग कर लेता हूँ। और हाँ दोस्तों मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में वीडियोस को चलाता हूँ क्योंकि ये वीडियोस बहुत लंबा हो चुका है। तो चलो मैं इसको जल्दी से फिटिंग कर लेता हूँ दोनों हेड को। हाँ तो दोस्तों अगर आप ट्रैक्टर से जुड़ी नई नई जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस लाता हूँ और लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस नेक काम में हमारे साथी और सहभागी बने। और दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाती है और हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए उत्साहित करती है। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों अभी हम इसको टॉर्क देना है। तो देख सकते हैं ये 22 नंबर का बोल्ट है, तो मैं इसको 110 नंबर पे टॉर्क दूंगा। देख सकते हैं अभी 110 नंबर का टॉर्क मैंने सेट किया हुआ है। तो दोस्तों अभी हमें सभी बोल्ट को पहले हल्के हल्के एक दूसरे की अपोजिट साइड कुछ इस तरह से हमें फिटिंग करना है। देख सकते हैं अभी, ना कि हम इसको एक और से टाइट करना है। तो चलो इसको भी मैं जल्दी से फिटिंग कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों हमें इसका पुशरोड और पुशरोड ग्राइड फिटिंग करना है। तो इसको भी मैं जल्दी से फिटिंग कर लूँगा ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। तो अभी हेड का फिटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमें इसका पुशरोड और पुशरोड ग्राइड फिटिंग करना है। ऐसा लाओ तो पुशरोड ले लो। तो ये इसका पुशरोड ग्राइड यहाँ पे फिटिंग होगा। तो दोस्तों ये पुशरोड और टैपिट फिटिंग करने के बाद इसका टैपिट कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये टैपिट को भी मैं जल्दी से फिटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद उसका टैपिट का सेटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये डीजल पंप, ये वाला पहले वाला प्लंजर दोस्तों, ये नीचे की ओर दबने के बाद ऐसे ऊपर की ओर उठना चाहिए, ये फर्स्ट वाला प्लंजर। और इंजन को हमें घड़ी की सीधी दिशा में, यानी इसको सीधा घुमाना है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। तो ये पहले वाला पिस्टन नीचे जाने के बाद हमें वापस ऊपर लाना है, एडजस्ट घुमाओ तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमें इंजन को सीधी दिशा में घुमाना है। और डीजल पंप का जो एक नंबर वाला प्लंजर है, ये वाला, वो नीचे जाने के बाद अप होना चाहिए, यानी ऊपर की ओर हमें लाना है उसको। और इंजन को हमें सीधी दिशा में घुमाना है, घुमाओ और घुमाओ थोड़ा। तो देख सकते हैं अभी ये नीचे की ओर डब रहा है दोस्तों ये प्लंजर। तो नीचे जाने के बाद हमें वापस इसे ऊपर की ओर लाना है। तो हमारा एक नंबर का पिस्टन
टॉप पे आ जाएगा। घुमाओ तो देख सकते हैं अभी ये एक नंबर टॉप पे है, तो हमारा दोनों टैबिट फ्री है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 0012 टैबिट गेज से मैं इसको सेट करता हूँ दोस्तों, इसको 0012 पे मैं सेट करूँगा दोनों वाल को। आप इसे 12:10 पे भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमें ये इसका लॉक नट खोल लेना है और इसके बाद इसका ये टैपिट गेज। और हाँ दोस्तों, ये टैपिट गेज न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम हल्के से। देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये अंडर में मूवमेंट होना चाहिए, न ज़्यादा हार्ड होना चाहिए न ज़्यादा लूज। तो देख सकते हैं अभी इस तरह से हमें टैपेट गेज को टैपेट और वाल के बीच में फंसा के इस तरह से हम इसको सेट करना है। तो ये एकदम इजी हमारे हाथ से मूवमेंट होना चाहिए, न ज़्यादा टाइट होना चाहिए न ज़्यादा लूज। तो दोनों वाल को हमें इस तरह से सेट करना है, देख सकते हैं अभी आप। और ऐसे एक पेचकस की मदद से हमें इसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक हमें सेटिंग करना है। उसके बाद उसका जो नट वो हमें लॉक कर देना है। तो देख सकते हैं अभी ये यहाँ पे इसका प्ले, तो इस तरह से इसको सेट करना है। तो अभी हम ये दूसरे टैपेट को भी सेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल कंप्लीट सेटिंग हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें इसको सेट करना होता है। उसके बाद हमें इसकी दोनों जो लॉक नट है उसे अच्छे से कस लेना है। तो दोस्तों अभी ये कंप्लीट है। तो हमें नंबर दो, तो इसको भी हमें इंजन को सीधी दिशा में घुमाना है, जैसे हमने पहले टैपी सेटिंग करने में जो प्रक्रिया किया उसी को हमें दोबारा से दोहराना है। ये वाला प्लंजर नीचे जाने के बाद ऊपर आना चाहिए, यानी अप होना चाहिए, देख सकते हैं। तो अभी ये पिस्टन टॉप पे, ये अभी नीचे जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी नीचे जाने के बाद हमें वापस इसे घुमा के ऊपर लाना है। ये पेचकस आप देख सकते हैं, ये पिस्टन ऊपर की ओर आ रहा है, थोड़ा और रह जा। तो ये प्लंजर भी अभी आप देख सकते हैं ऊपर की ओर उतर रहा है, ये वाला प्लंजर ऊपर की ओर, जैसे हम इंजन को घुमाते हैं वो ऊपर की ओर उतर रहा है। थोड़ा और घुमाओ, इधर घुमाओ, ओके। तो अभी देख सकते हैं ये नंबर दो पिस्टन भी टॉप पे कंप्लीट है। तो हमारा ये दोनों टैपेट फ्री है। तो अभी हम इसको भी सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें वही गेज यूज़ करना है, 0012 दोनों टैपेट पे। और ये टैपेट गेज न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज, इस तरह से हमें इसको सेट करना है। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और किसान भाइयों में शेयर करना न भूले, ताकि उनको भी ये पूरी जानकारी मिल पाए। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाता हूँ और लाता रहूँगा। और दोस्तों, आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियोस को आप लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोस के लिए एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट तो बनता ही है। और दोस्तों, ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसका दोनों टैपेट कंप्लीट
सेटिंग कर लिया है। ये वाला से टैप इट थोड़ा, तो दोस्तों अभी आपने देखा कि इस तरह से इसका टैप इट सेटिंग किया जाता है। तो ये पूरा उसका डीजल कनेक्शन लगाने के बाद उसका टैप इट कवर भी मुझे लगाना है। तो ये पूरा फिटिंग होने के बाद दोस्तों मैं इसका ड्रॉप सेटिंग, हाँ दोस्तों उसका ड्रॉप सेटिंग कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। कौन सी डिग्री पे मुझे उसका ड्रॉप सेटिंग करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो वीडियोस देखना भी आप न भूले। नेक्स्ट मैं आपको वो दिखाऊंगा। अभी मैं इसका टैपिट कवर और पूरा डीजल का जो कनेक्शन पूरा लाइन है वो लगाने के बाद मैं इसका ड्रॉप सेटिंग कैसे करते हैं, कौन सी